नृत्यांगना सुधा चंद्रन। मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1965 को मुंबई के एक सामान्य परिवार में हुआ था। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती तंगम एवं पिता श्री केडी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री शास्त्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामस्वामी बागुदार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाई टांग में गैंग्रीन यानी एक प्रकार का कैंसर हो गया। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाई टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वो पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वो जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वो दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इससे सुधा ने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। सुधा ने अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पावों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के टूट से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। धीरे धीरे सुधा चंद्रन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।